News 18, India. अखाड़ा में सीधा आपको लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर पर। पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर है जहां फिर से कुछ उपद्रव और कुछ बवाल होता हुआ दिख रहा है। किसान भारी संख्या में वहां मौजूद है, पंजाब से हरियाणा की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। एक बार फिर से इस्तेमाल कर दिया गया और तस्वीरें आप देखिए इस समय बिल्कुल एक तरह जैसे कोई फॉग की पूरी चादर हमें नजर आ रही हो, धुंध की पूरी चादर नजर आ रही हो, और एक बार फिर से टियर गैस की वैसी तस्वीर नजर आई है। और वैसे ही तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयान करने के लिए काफी है कि टियर गैस का कितनी हैवी शेलिंग वहां पर की गई है। बहुत सारे लोग जिनके टियर गैस आंखों में जलन या फिर दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए यहां पर अभी भी रुक रुक कर आवाज हमारे पास आ रही है कि टियर गैस इस और उसकी टियर गैस फेंकी जा रही है। तो तस्वीरें दर्शकों तक, और जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये खबर निकल कर सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं जो टियर गैस है, क्योंकि ये सामने आ रहा था कि जेसीबी लेकर कोई पहुंच गए हैं, एक बड़ा ट्रैक्टर हमें इक्विपमेंट्स नजर आए और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद टियर गैस छोड़ दिया गया, और अभी भी टियर गैस छोड़ी जा रही है, अभी भी जो मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं। और एक ड्रोन अब नजर आ रहा है, एक बार फिर से ड्रोन नजर आ रहा है, ड्रोन नजर आ रहा है एक बार फिर से, और ड्रोन के जरिए भी लग रहा है कि एक बार फिर से हो सकता है कि टियर गैस छोड़ दी जाए। ड्रोन नजर आ रहा है हमें, और ड्रोन के जरिए पिछली बार टियर गैस छोड़ी गई थी। एक बार फिर से अजय हम थोड़ा और पीछे हो जाएंगे, टियर गैस का इस्तेमाल एक बार फिर से ड्रोन के जरिए भी किया जा सकता है, वो भी लग रहा है कि एक बार फिर से स्थिति वैसी बनती हुई नजर आ रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं इस समय शंभू बैरियर की तस्वीरें और ड्रोन के जरिए, और इस बीच दूसरी तरफ भी लगातार बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ से जो टियर गैस है वो छोड़ी जा रही है। बीच बीच में तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि लगातार वहां से टियर गैस छोड़ी जा रही है। खैर एक बार फिर से माहौल उस तरह का ही हुआ जैसे लगभग आधा पौना घंटा पहले हुआ था, और किसान प्रदर्शनकारी थोड़ा सा पीछे हटे हैं। एक बार फिर से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, पीछे पुश करने की कोशिश की जा रही है। कुछ गाड़ियां कुछ इक्विपमेंट्स लेकर किसान यहां पर पहुंच गए हैं, बड़े ट्रैक्टर हमें नजर आ रहे हैं, और उस वजह से भी एकदम से जो हैवी शेलिंग है वो कर दी गई टियर गैस की। तो इस तस्वीरें आपके सामने इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह का माहौल एक बार फिर से बना हुआ नजर आ रहा है। और ड्रोन के जरिए तो पहले ही नजर रखी जा रही थी, क्योंकि ड्रोन के जरिए शायद पहले ही जेसीबी या दूसरी चीजों को प्रशासन ने दूर से देखा, और जैसी वो नजदीक आए तो उसके बाद टियर गैस छोड़ दी गई। तो टियर गैस जो आंसू गैस छोड़ी गई है, और उसके बाद की स्थिति इस समय आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए और कोशिश एक बार फिर से टियर गैस एक बार फिर से, और अलग अलग तस्वीरें टियर गैस की आप तस्वीरें देखिए, कुछ ट्रैक्टर के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, और अब बहुत बड़ी तादाद में है। एक बार फिर से लगातार हमारे पास जो आवाजें टियर गैस दूसरी तरफ से छोड़ने की आ रही हैं, और वो तस्वीरों के जरिए कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, और लगातार टियर गैस दूसरी साइड से हरियाणा वाली साइड से, देखिए एक बार फिर से रुक रुक कर आवाजें आ रही हैं, फिर आवाजें आ रही हैं, देखिए टियर गैस और लगातार एक आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी तादाद में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा संख्या में आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी तरफ से अब आगे कुछ किया जा रहा है, और बैरिकेडिंग की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल कोई शेलिंग नजर नहीं आ रही कि टियर गैस कोई छोड़ा जा रहा हो, लेकिन अब प्रदर्शनकारी बहुत एक आक्रामक अंदाज कह सकते हो कि उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और बैरिकेड की तरफ जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और टियर गैस एक बार फिर से दूसरी तरफ जी हाँ, दोनों तरफ से एक बार फिर से टियर गैस, और लगातार उस तरीके से ही टियर गैस जो छोड़ी जा रही है, और भीड़ को पीछे करने की कोशिश है, खदेड़ने की कोशिश है एक तरह से, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, और काफी हैवी आप कह सकते हो बैक टू बैक बहुत सारे जो टियर गैस है वो छोड़ी गई हैं, अभी भी लगातार जारी है। थोड़ा जूम आउट करके अगर राज्य दिखा पाए, क्योंकि आसमान से टियर गैस के गोले बरसते हुए सामने से आ रहे हैं,
और एक एक करके बहुत सारे अभी तक टियर गैस के गोले आ चुके हैं, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए, प्रदर्शनकारी काफी आगे निकलते हुए, एक ट्रैक्टर आगे निकल गया है बैरिकेड के नजदीक पहुंचता हुआ ट्रैक्टर, और इस बीच फिर से जो टियर गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ट्रैक्टर एक जो दूसरी तरफ से आगे बढ़ा है और दूसरी तरफ से आगे जाने की कोशिश है, यानी कि जो टियर गैस का इस्तेमाल है वो दोनों तरफ है। जब आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं, दोनों तरफ टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है, और एक बार फिर से बहुत हैवी शेलिंग हमको नजर आ रही है, और मैं तस्वीरें अगर दिखा पाऊं तो पूरी तस्वीरें बिल्कुल एक तरह से व्हाइट चादर, जिस तरह से धुंध हो उस तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। रुक रुक कर हर एक मिनट में 2-3 टियर गैस हमें दिखाई दे रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक यहाँ सिचुएशन शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय बनी हुई नजर आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में किसान तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों की तादाद पिछली बार के मुकाबले इस समय बहुत ज्यादा है। पिछली बार जितने थे, यानी कि अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले, जब पूरी हैवी टियर गैस के गोले बरसाए गए थे, और अब उस समय के मुकाबले अब आप कह सकते हैं कई गुना ज्यादा जो प्रदर्शनकारी हो चुके हैं, और टियर गैस के द्वारा पहले बिल्कुल पूरा ग्राउंड एक तरह से खाली करवाने में हरियाणा का प्रशासन कामयाब हो गया था, लेकिन अभी काफी आगे जाते हुए और कुछ प्रदर्शनकारी बिल्कुल टियर गैस के बीच में से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, और वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और उसका असर या प्रभाव मैं कहूं कि हम लगभग 100 मीटर पीछे हैं जहां पर टियर गैस आकर गिर रहे हैं, और 100 मीटर तक भी उसका पूरा आप कह सकते हैं कि हम महसूस कर पा रहे हैं कि उसकी गैस का प्रभाव, और बहुत सारे लोग पीछे लगातार आ रहे हैं, भीड़ कभी पीछे आती है कभी आगे। ड्रोन के जरिए एक बार फिर से ड्रॉप करने की कोशिश होगी, ड्रोन के जरिए, जी हां बिल्कुल पीछे हम होने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अब ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया जाएगा। ड्रोन के जरिए देखिए एक बार से फिर से यूज किया गया है टियर गैस को, ताकि भीड़ को और पीछे किया जाए। जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि टियर गैस छोड़ने की एक लिमिट जरूर होती है जब आप गन के साथ फायर करते हैं, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी दूर तक ड्रोन के साथ छोड़ा जा रहा है, और देखिए ड्रोन फिलहाल एक टियर गैस ड्रॉप कर दिया गया, और लग रहा है कि थोड़ा और आगे बढ़ सकता है ड्रोन, और उसकी ओर से टियर गैस का एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा पीछे हटता हुआ ड्रोन, एक और ड्रोन की तरफ से एक और छोड़ा गया है टियर गैस, और लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश की जा रही है कि ड्रॉप किए जाएं, और दूसरी तरफ से गन के जरिए भी लगातार जो जारी है टियर गैस छोड़ी जा रही है। ड्रोन एक बार फिर से मूवमेंट करता हुआ और पीछे आगे होता हुआ, नीचे भी तस्वीरें अजय हम जरूर दिखाते रहे, क्योंकि दोनों तरफ ना सिर्फ ड्रोन, एक बार फिर से ड्रोन के जरिए टियर गैस छोड़ी गई है एक बार फिर, और लगातार ड्रोन के जरिए जो टियर गैस छोड़ी गई है उसके ऊपर कुछ पत्थरबाजी भी हुई, ड्रोन वापस जाता हुआ, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, और टियर गैस एक बार फिर से टियर गैस छोड़ी गई है, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं आगे, आप अंदाजा लगाइए कि जैसे ही बैरिकेड के पास पहुंचे तो उसके बाद एकदम से फिर से टियर गैस छोड़ दी जाती है, और बहुत सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं वो थोड़ा पीछे होते हैं और फिर आगे, यही इस समय की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल शंभू बॉर्डर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे से होगी लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंचाते हुए, देखिए तस्वीरें और प्रदर्शनकारी, क्योंकि खेतों की तरफ भी चले गए और उस तरफ भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ साथ जो लोग यहां पर केवल देखने के लिए पहुंचे हैं वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन उस बीच दूसरी तरफ अजय अगर दिखा पाए एक बार फिर से दिखा पाए भैया, एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है, और बैक टू बैक बहुत सारे टियर गैस छोड़े जा रहे हैं, और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं इन तस्वीरों के जरिए थोड़ा बयान करने की कोशिश भी मेरे से होगी। अजय इस समय इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अजय कुमार,
और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र पंकज कपाही इस समय शंभू बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। हमारे अगर मैं बात करूं तो यश और अर्श ये भी हमारे सहयोगी लगातार इस समय ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों तक। और एक बार फिर से टियर गैस का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से वो तस्वीरें सब कुछ बयान करती हुई। लेकिन अब मैं अगर बात करूं तो काफी ज्यादा हैवी शेलिंग के बाद एक एक करके लगातार टियर गैस आ रहे हैं, और इस बीच भीड़ थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, लेकिन जो कपड़े हैं या फिर जैसे कोई बोरे होते हैं, जूट बैग होते हैं, उनके उनको भिगोकर रखा गया और उनके जरिए उनके ऊपर भिगोए हुए जो जूट बैग है उनके ऊपर डालने की कोशिश है। लेकिन देखिए इस बीच एक बार फिर से पीछे खदेड़ दिया है, प्रदर्शनकारी थोड़ा और पीछे आते हुए, और लगातार अब टियर गैस जो चैलिंग होती हुई नजर आ रही है, और ये तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं, और लगातार ये तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयां करती हुए कि आखिर किस तरह का माहौल इस समय शंभू बैरियर के ऊपर बना हुआ है, और लगातार टियर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किसान नेता कुछ कहने की कोशिश, बीच बीच में हमें लाउड स्पीकर पर उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन देखिए स्थिति यहाँ की इस समय की ऐसी है कि पीछे से एक बार फिर से जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश। तो ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आप तक पहुंचाते हुए, ओ हरमन नीचे हो जा, रिपोर्टिंग ले लेने दे। तो तस्वीरें शंभू बैरियर की, एक बार फिर से पैनिक सिचुएशन। तो ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से पंजाब से, जहां न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आपको लाइव दिखा रहे थे तस्वीरों पे किस तरह से भीड़ उग्र हो रही थी, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जेसीबी बड़े ट्रैक्टर्स का प्रयोग कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और भारी मात्रा में टियर गैस शेलिंग, आसपास के खेतों में भी ड्रोन द्वारा टियर गैस शेलिंग है किसी तरह से भीड़ को तितर बितर करने की, और भीड़ के अंदर अगर कोई उपद्रवी तत्व है और वहां पर अगर कुछ प्लान हो रहा है तो उसको नाकाम करने की कोशिश हरियाणा प्रशासन और पुलिस द्वारा। तो टियर गैस शेल लॉब भी किए जा रहे हैं, फेंके भी जा रहे हैं, और उनको गन से फायर किया जा रहा है, और ड्रोन्स भी अब मौजूद हैं, और ड्रोन्स पर पत्थरबाजी कर ड्रोन को भी नाकाम करने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों द्वारा, लेकिन ड्रोन पीछे हट गया। लेकिन अब देखिए फिर बरसात हुई है टियर गैसेस की, टियर गैस शेलिंग और तेज हुई है, जहां जहां भीड़ जमा होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या उग्र होने की कोशिश कर रही है तो टियर गैस का प्रयोग किया जा रहा है, भारी मात्रा में टियर गैस शेलिंग। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से ये लठ लेकर, बाले लेकर, डंडे लेकर जो वहां किसान पहुंचे हैं या प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, इन प्रदर्शनकारियों को कुछ भी करीब 3 या 4 ड्रोन है, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कैमरा पर कम से कम 3 या 4 ड्रोन कैद हुए हैं जो वहां पर टियर गैस की वर्षा कर रहे हैं, टियर गैस शेल्स की बारिश कर रहे हैं, और इस वजह से ये इफेक्टिव टियर गैस शेलिंग हो रही है। ट्रैक्टर अगे पहुंच भी गए हैं, बहुत बड़ी गिनती के पिछे है, जिवें मैं पहला जिक्र कर रहा है कि पिछे 2-3 हज़ार ट्रैक्टर हैं जिहड़े इंतजार कर रहे हैं कि वो अगे आण, अगे दिल्ली वाले पासे कूच करन, तां उस दीआं तस्वीरां ने, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर। तो वहां न्यूज 18 पंजाब के रिपोर्टर का कहना करीब 2-3 हज़ार ट्रैक्टर लेकर कुछ किसान पहुंचे हैं, पर वो इंतजार कर रहे हैं किस तरह से रास्ता खुले फिर वो आगे बढ़े। जब जब किसी भी ट्रैक्टर या जेसीबी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होती है, टियर गैस की शेलिंग होती है और उनको रोक दिया जाता है। अब ये पानी के टैंकर लेकर एक और वहां पर आपको दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर से टियर गैस की शेलिंग आप देख सकते हैं। किसी भी तरह से इनको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है और इनके रास्ते को रोका गया है हरियाणा प्रशासन द्वारा, दोनों सड़क और इस पुल की दोनों तरफ से भारी मात्रा में टियर गैस शेलिंग, और उसके आसपास के खेतों में भी जब भीड़ जमा हो रही है और खेतों से घुसने की कोशिश कर रही है तो वहां भी भारी पेट्रोलिंग है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन से टियर गैस शेलिंग हो रही है। ये लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, जहां तीसरी बार
पिछले 1.5-2 घंटों में तीसरी बार हंगामा हुआ और अब की बार भीड़ भारी मात्रा में आगे एक साथ बढ़ने की कोशिश करती हुई और उसको पूरी तरह से पीछे खदेड़ दिया गया, क्योंकि इस तरह से टीयर गैस की वहां पर बौछार हुई है ड्रोन द्वारा कि भीड़ को पीछे हटना पड़ा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गीला कपड़ा लेकर अपने चेहरे पर डालते हुए, आंखों में पानी डालते हुए किसी तरह से गैस का असर कम करने की कोशिश करते हुए, ये देखिए खेतों में भी टीयर गैस शेलिंग हो रही है। जहां जहां से भीड़ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है वहां भी पुलिस मौजूद है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन से टीयर गैस पर की शेलिंग की जा रही है। यही वो ट्रैक्टर्स थे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों को पंजाब की तरफ और पंजाब बॉर्डर के अंदर ही रखने की कोशिश की जा रही है, शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने की कोशिश इजाजत दी जा रही। अब कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां शंभू बॉर्डर पर किसान और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों की तरफ से भी अब संख्या बल का प्रयोग कर जोर आजमाइश की कोशिश। क्या हरियाणा प्रशासन इसके लिए तैयार है, वहाँ पुलिस किस तरीके से वहाँ प्रबंध करेगी, क्या टीयर गैस की शेलिंग और जोर शोर से होगी, ये देखने की कोशिश। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहाँ शंभू बॉर्डर की तरफ करीब 3,000 ट्रैक्टर पहुँचे हैं, कई हज़ार किसान पहुँचे हैं, काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें हैं जहाँ फिर से टीयर गैस की बौछार कर इनको पीछे खदेड़ दिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जहां किसान आगे बढ़ते हुए किसान फिर पीछे की तरफ भाग गए, क्योंकि टीयर गैस की इतनी तेज बौछार हुई और सबको आंखों पे चेहरे पर पट्टी बांधनी पड़ी। अब फिर कुछ तस्वीरें जहां पानी का प्रयोग कर अपनी आंखों को धोया गया, गीले कपड़े को अपने चेहरे पर लगाकर टीयर गैस के असर को कम करने की भी कोशिश, लेकिन ड्रोन द्वारा टीयर गैस की इतनी तेज शेलिंग हो रही है और भारी मात्रा में हो रही है कि भीड़ को किसी भी तरह से खदेड़ने का प्रयोजन किया जा रहा है। किसी भी तरह भी इस भीड़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं प्रशासन ने, पुलिस ने ये ठान लिया है, हरियाणा पुलिस ने। अब ये और तस्वीरें जहाँ खेतों में भी टीयर गैस शेलिंग हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ जहाँ फिर से अब किसान थोड़ा शांत हो रहे हैं, फिर से टीयर गैस के असर को थोड़ा कम होने का वेट इंतज़ार करते हुए, और फिर से क्या नई प्लानिंग करेंगे, किस तरह से आगे योजना होगी, कि साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या कुछ कुछ संख्या में बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ जेसीबी भी देख सकते हैं, जेसीबी का भी उपयोग इसलिए ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए, उसके पीछे बड़ा ट्रैक्टर भी और भारी संख्या में ये किसान किसी तरह शंभू बॉर्डर पर घगर नदी के ऊपर इस पुल को पार कर हरियाणा एंटर करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वही रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ आता है और यहीं पर इनको रोक लिया गया है। आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ वो नज़ारा है थोड़ी देर पहले का, जहां पर खेतों में भी टीयर गैस शेलिंग हुई ताकि जो भीड़ वहां से घुसकर जाने की कोशिश कर रही थी उसको भी पीछे खदेड़ दिया गया। देखिए खेतों में भी कई बड़ा भारी जमावड़ा आप देख सकते हैं, वहां पर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 4-5 ड्रोन्स हैं जो जिनके कैमरे भी मुस्तैद हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और जिनके अंदर टीयर गैस शेल्स हैं एक साथ करीब 5 से 6 शेल्स एक ड्रोन गिराकर आगे जा रहा है। और अलग अलग जगह जहां जहां भीड़ जमा हो रही है, वहां जहां जहां उपद्रव या किसी तरीके के मूवमेंट की मंशा दिखती है, सही कैमरे में कैद होता है, उसी वक्त सीधा टीयर गैस चलेंगे। आप देखिए फिर से एक बड़ा ट्रैक्टर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ, उसके पीछे एक और ट्रैक्टर, कहीं ना कहीं क्या 8-10 ट्रैक्टर एक साथ आगे कूच करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ क्या ये भीड़ का जमावड़ा होगा। ये देखिए पीछे और भी ट्रैक्टर तैनात है, तो क्या इन ट्रैक्टर्स के पीछे छुपकर अब भीड़ जाने की कोशिश करेगी, इन पर चढ़कर भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, देखने वाली बात है कि क्या करेंगे या प्रदर्शनकारी, क्योंकि उन्होंने भी शंभू बॉर्डर के इस व्यू को भेदने की ठान ली है। वहीं हरियाणा प्रशासन की तरफ से जो व्यू रचा गया है उसमें सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस ही ये ड्रोन और टीयर गैस शेल्स है, जिसको अब तक प्रदर्शनकारी भेद नहीं पाए। लोगों की तरफ से, वहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई तरह के नारे लग रहे हैं, कई तरह की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें पंजाब बॉर्डर से, पंजाब हरियाणा बॉर्डर शंभू बॉर्डर से लाइव, ये पंजाब की तरफ की तस्वीरें हैं।
जहां पर न्यूज 18 पंजाब के माध्यम से ये तस्वीरें हम आपको यहां न्यूज 18 इंडिया पर भी दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टियर गैस का छोड़ना और टियर गैस की शेलिंग बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई सारे किसान, कई सारे प्रदर्शनकारी खेतों की तरफ भाग गए हैं, खुली हवा की तरफ भागे हैं और ड्रोन्स के माध्यम से वहां पर भी शेलिंग हो रही है, वहां पर भी टियर गैस बिछा गिराया जा रहा है। लाइव तस्वीरें, लाइव एक्शन की ये तस्वीरें कि भीड़ तितर बितर हो गई है, अलग अलग बढ़ गई है, कई सारे झंडे आपको दिख रहे हैं अलग अलग मोर्चा के, अलग अलग संगठनों के, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब कुछ ट्रैक्टर्स का एक जमावड़ा दिख रहा है आपको, ये लाइव तस्वीरें हैं। वहां पर भी इन ट्रैक्टर्स को जैसे ही आगे ले जाने की कोशिश, भारी मात्रा में शेलिंग और ट्रैक्टर वहीं के वहीं रुक गए हैं। प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ज्यादा शेलिंग, अब ये भीड़ फिर से पीछे की तरफ भागेगी। जैसे जैसे टियर गैस की तरफ से ये धुआं उनको, उनकी आंखों में चुभेगा, वैसे वैसे ये फिर से पीछे की तरफ भागेंगे और इनको पंजाब की तरफ ही रोका गया। काफी संख्या में ये प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। इनके बीच में जेसीबी, बड़े ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, सब कुछ वहां मौजूद है। अलग अलग संगठनों के झंडे भी आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शनकारी, क्या इनका मनोबल टूटेगा, क्या ये पीछे हटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, भारी मात्रा में ट्रैक्टर है, भारी मात्रा में, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि पंजाब सरकार ने इनको खुली छूट दी है, इनको रोकने की कोशिश नहीं की, इनको दिल्ली की तरफ बढ़ा रही है पंजाब सरकार, और इसमें राजनीति छलक रही है, ये आरोप लगा है हरियाणा प्रशासन की तरफ से। लेकिन हरियाणा प्रशासन पिछली बार से अधिक मुस्तैद, पुलिस की पूरी तैयारी, ड्रोन्स का प्रयोग, एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित तरीके से इस ब्लॉकेड को अंजाम देने की कोशिश, इस भीड़ को पंजाब के अंदर ही रोकने की कोशिश। फिर से देखिए, शेलिंग हो रही है, टियर गैस शेलिंग खेतों में हो रही है, क्योंकि खेतों में पीछे के रास्ते से कुछ प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहां पीछे से पुलिस पर पथराव करने की कोशिश। ये देखिए तस्वीरें, पथराव कर रहे हैं नीचे ये प्रदर्शनकारी, अब वहां पथराव कर रहे हैं खेतों में, खेतों की तरफ से वहां से देखिए पथराव कर रहे हैं, और पथराव वहां पर पुलिस और ड्रोन पर, ऊपर से ये ड्रोन जो टियर गैस की बौछार कर रहे हैं, उन ड्रोन्स को पत्थर मारकर तोड़ने की, नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। कई सारे आप देख सकते हैं वह प्रदर्शनकारी जो पथराव कर रहे हैं, खुलकर पथराव कर रहे हैं। ये समझाओ किधर को, टियर गैस की शेलिंग और तेज, फिर से पथराव हमने देखे, तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं ये, और फिर से ये और ट्रैक्टर्स आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब पीछे हटते हुए ये ट्रैक्टर्स। पुलिस प्रशासन की तरफ से वहीं खेतों की तरफ जहां से पथराव करने की कोशिश की जा रही थी, ड्रोन चालक या ड्रोन को अटैक करने की, उस पर पत्थर मारने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर भी फिर से टियर गैस कर टियर गैस की शेलिंग और टियर गैस का उपयोग कर उस भीड़ को भी तितर बितर करने की कोशिश। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, एक शंभू बॉर्डर से लगे उस पुल के बगल में जितने खेत हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं वहां से घुसने की कोशिश और नीचे से पत्थर उठाकर पत्थर फेंकने की कोशिश, दूसरा शंभू बॉर्डर पर लगे ब्लॉकेड की ये तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारियों को जब जब वो आगे बढ़ रहे हैं टियर गैस शेलिंग के माध्यम से उनको पीछे धकेल दिया जा रहा है। आंसू गैस की वजह से कई प्रदर्शनकारी तकलीफ में पानी से भीगे हुए कपड़े को अपने चेहरे पर ढककर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, फिर से एक ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो ट्रैक्टर रुक गया, ट्रैक्टर को वहीं रोककर वह भागकर आ गए। ट्रैक्टर को वहां पर क्यों रोका जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, इनकी मंशा क्या है, देखने वाली बात होगी। फिर से कई सारे ट्रैक्टर एक साथ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का
रवैया धीरे धीरे और भी उग्र होता हुआ, ये जमावड़ा धीरे धीरे संख्या बल में भी बढ़ता हुआ, सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं उनके साथ साथ बड़े बड़े भारी ट्रैक्टर्स, ये देखिए कुछ और ट्रैक्टर हैं, और यहाँ पर चालक ने अपने आंखों के सामने स्क्रीन लगा रखे हैं। आप देखें उन्होंने कांच के प्लास्टिक के वाइजर लगा लिए हैं ताकि आंसू गैस का इन पर कोई असर ना हो, पर क्या ये आगे बढ़ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तीन तस्वीरें 11:58 पर, 12:18 पर और दोपहर 1:24 से जो ये तस्वीरें हैं, कुछ और तस्वीरें अब लाइव आ रही हैं जहां पर ट्रैक्टर चालक आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए कुछ कंक्रीट के पिलर भी आगे लाए जा रहे हैं, इन पिलर्स के पीछे खड़े होकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ढकेलते हुए आगे जा रहे हैं, इसके पीछे छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा भी नए नए नुस्खे अपनाता हुआ कि किस तरह से शंभू बॉर्डर को लांघा जाए, हरियाणा के अंदर एंट्री की जाए और वहां से दिल्ली की ओर कूच किया जाए। आप देखेंगे ट्रैक्टर चालक ने भी अपने आगे आंखों में वाइजर लगा लिए हैं ताकि आंसू गैस का असर उनकी आंखों पे ना हो और वो ट्रैक्टर आगे ले जा सके। ट्रैक्टर्स के साथ साथ कुछ कंक्रीट के आप ब्लॉक्स भी देखेंगे, सीमेंट के ब्लॉक्स जिसके पीछे छुपकर ये आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब क्या कार्रवाई होगी देखना होगा, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ये लाइव एक्शन आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये तस्वीरें न्यूज 18 पंजाब के माध्यम से, वहाँ रिपोर्टर्स लाइव हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि खेतों में भी आंसू गैस छोड़े गए हैं, ये देखिए आंसू गैस के नज़ारे। लेकिन जैसे ही आंसू गैस गिरता है लोग इधर उधर तितर बितर होते हैं, लेकिन उस तरफ उसके बाईं ओर देखिए पथराव चल रहा है, ड्रोन्स पर पथराव की कोशिश, प्रशासन वहां मौजूद प्रशासन पर पथराव की कोशिश, ड्रोन चालक पर पथराव की कोशिश, और ये वो लम्हा जब वहां पर आंसू गैस का गोला गिरा ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन आंसू गैस छोड़ता है, लोग इधर उधर भागते हैं, जैसे ही वो वहां गिरता है फिर धुआं हर तरफ और उस भीड़ को तितर बितर करने, इसी ड्रोन को टारगेट करते हुए पथराव भी करते हुए वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी। अब और तस्वीरें जहां आंसू गैस की वजह से कई लोगों को वहां तकलीफ भी होती हुई, प्रदर्शनकारियों को कुछ थोड़ी सी शांति दिख रही है, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस का ये गोला यहां गिरता है, लेकिन यहां प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं, ये देखिए ये पत्थर मारने की कोशिश ड्रोन पर, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ड्रोन से आंसू गैस का गोला गिर रहा है लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हुए, ये व्यक्ति भागता है यहां से, देखिए ये ऊपर देख रहे हैं और ये भी भागता है, जैसे ही भागता है यहां पर ये आंसू गैस का गोला गिरा है, ये आंसू गैस का गोला हर तरफ धुआं और ये सब ये भीड़ यहां से इधर उधर हो गई, कहां पर गिरा यहां, ये देखिए ये व्यक्ति यहां पर ये भागते हुए आंसू गैस के गोले से बचते हुए, लेकिन यहां पर जैसे ये लम्हा यहां हो रहा है, यहां देखिए यहां पथराव होता है, इस तरफ से पत्थर मारने की कोशिश होती है, यहां वो लम्हा जब यहां पर देखिए ऊपर से आंसू गैस का गोला आया और सब लोग भागे और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश, तो ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन यहां पर जो लोग मौजूद हैं ये ड्रोन पर ही पत्थर फेंकने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहां से भी इन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ गए, ये युवक यहां पर ये देखिए ताना देते हुए और ड्रोन को पत्थर भी मारते हुए, लेकिन ड्रोन की तरफ से जैसे ही ड्रोन आंसू गैस का गोला छोड़कर यहां से हटता है आंसू गैस का गोला यहां गिरता है, ये देखिए ये वो लम्हा है जब आंसू गैस का गोला गिरा और उसके बाद धुआं ही धुआं हर तरफ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई शंभू बॉर्डर पर और उग्र हो गई है हरियाणा प्रशासन की तरफ से, अभी वो भीड़ फिर से जमा हो रही है, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, कोई नया नुस्खा अपनाने की कोशिश करेगी, अब संख्या बल और बढ़ता हुआ, जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर के माध्यम से सीमेंट की ब्लॉक्स के माध्यम से अपने आप को अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश, कई लोग इसको फिल्म कर रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए, क्या फिर से प्रशासन की तरफ से आगे आएगा। देखिए टोल गेट 500 मीटर दूर आप ऊपर पढ़ सकते हैं, तो उसी रास्ते पर इनको रोक दिया गया है, 6 लेवल की अलग अलग तरीके की बैरिकेडिंग है, ये तो पहला लेवल है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, जैसे जैसे भीड़ की संख्या बढ़ती है संख्या बल बढ़ता है, वहां से ड्रोन की कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाती है और फिर इस भीड़ को पीछे धकेल दिया जाता है।
वहाँ आप देख सकते हैं कई सारे प्रदर्शनकारी है जिनको इस आंसू गैस की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। फिर से उन्हीं खेतों में फिर से एक्शन और फिर से वहीं पर आंसू गैस, धीरे धीरे भीड़ खुली हवा की तरफ बढ़ती हुई, खेतों की तरफ बढ़ती हुई। क्या खेतों से आगे बढ़ेगी, आगे जाने का उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, कितना दूर जा पाएंगे, और फिर से उन्हें सड़क की तरफ आना पड़ेगा, और जैसे ही वहां आएंगे फिर से आंसू गैस छोड़े जाएंगे। अलग अलग किसान संगठन वहां पंजाब से आए हैं और काफी भारी मात्रा में ये प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, पर प्रशासन का कहना है, ये देखिए फिर से आंसू गैस गिरा वहां पर, ड्रोन के माध्यम से छोड़ा गया, जहां जहां भीड़ आ रही है वहां वहां ये आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ उपद्रवी तत्व भी हैं जो वहां पर हिंसा का माहौल और किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बार बार लाउडस्पीकर से अपील भी की जा रही है इनसे कि शांति बनाए रखें, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ लोग जो उग्र होते हुए उपद्रव की मंशा से आगे बढ़ते हुए, ये भी कैमरा में कैद हैं, लेकिन ड्रोन की तरफ से वहां भारी बौछार, वर्षा टियर गैस की, तो तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीर, जहां एक घंटे के भीतर तीसरी बार इस तरह का हंगामा हुआ, पुलिस और आंदोलनकारी किसान एक दूसरे के आमने सामने, और बार बार वहां हंगामा, जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से दागे जा रहे हैं, और इस बार ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो दिल्ली कूच के लिए किसान निकले हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर से आगे ये बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले एक दो घंटे से हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कई लेयर में यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लाभ पाना इन किसानों के लिए इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है, और जैसे ही बैरिकेड्स हटाने की वो कोशिश करते हैं, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लगातार तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके आंसू गैस के गोले इन किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पंजाब के शंभू बॉर्डर से, जहां पर स्थिति जो है वो फिलहाल अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ तमाम पुलिस के जवान, और देखिए तीसरी बार ये बताया जा रहा है, दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं शंभू बॉर्डर पर, तीसरी बार ये हंगामा होता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर। अब लगातार प्रदर्शनकारी ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ सके, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा समारोह है डट कर मुकाबला कर रखी है। आंसू गैस अब तक तीन बार जो है आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। हालांकि जरूरत आगे क्या कुछ पड़ती है, क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार लाउडस्पीकर से इस बात की घोषणा की जा रखी है कि आप जो है पीछे हट जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये होता है कि किसान आगे बढ़ते हैं, एक बार आंसू गैस का गोला दागा जाता है और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश। लेकिन देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के साथ जो है किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। अब ये कोशिश की किस तरीके से ये आगे बढ़ सके, क्योंकि मात्र 500 मीटर जो है बचा हुआ है जहां पर टोल की दूरी, और उसके बाद हरियाणा के बॉर्डर की शुरुआत हो जाएगी। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 2020 की वो तस्वीर याद कीजिए, जब आखिर किस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, सबसे लंबा जो है धरना किसानों की तरफ से दिया गया था, और उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग किस तरीके से परेशान हुए। तो शंभू बॉर्डर से इस वक्त हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बार बार वहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति हो रही है, और पुलिस की तरफ से अपील यही की जा रही है कि हट जाइए, लेकिन किसानों की तादाद आप देखिए, बड़ी तादाद में किसान यहां बॉर्डर के पास मौजूद हैं, और हरियाणा के अंदर वो दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली उन्हें पहुंचना है तो यहाँ पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल होने के लिए इस शंभू बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन न किसान पीछे हट रहे हैं न पुलिस पीछे हट रही है, दोनों ही तरफ से तैयारी इस बार डबल की गई है। आप देखिए किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कुछ मीटर वो पीछे हटते जरूर है, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद यहाँ वो इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ किसान नेताओं की मौजूदगी है जो इन तमाम किसानों को एकजुट कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश इनकी यही है कि हरियाणा के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन कई लेयर्स की यहाँ सिक्योरिटी है, जिसे भेद पाना किसानों के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर
करने के लिए पुलिस ने डटकर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसी से सीख लेते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और आंसू गैस के गोले दागने के लिए न सिर्फ आमने सामने से ये गोले दागे जा रहे हैं बल्कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। कुछ लोग जो सड़क से नीचे उतर कर खेतों की तरफ गए हैं वहां जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वहां पर भी ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और कोशिश यही है कि शंभू बॉर्डर से आगे ये किसान ना बढ़ पाए और दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। बीते एक घंटे से टकराव की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर को पार करना इन किसानों के लिए जरूरी है अगर वो दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन इससे दिल्ली की जनता की परेशानी भी बढ़ती है। किसानों की मांग भले जायज हो, पुलिस अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर ये दाखिल होते हैं अंदर तो इससे आम लोगों को परेशानी होती है और अभी भी दो चार हो रहे हैं इस परेशानी से क्योंकि कई जगहों पर जाम की स्थिति बनती हुई भी दिख रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देखिए, जमकर हंगामा हो रहा है और इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अपने साथ सूखा राशन वो लेकर आए हैं, अपने साथ लकड़ी लेकर आए हैं, ये कहते हुए कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। और अगर ये दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी अगर आप याद कीजिए किसान आंदोलन जो हुआ था वैसी कोई तस्वीर अगर बनती हुई दिखती है तो इससे लोगों को कितनी परेशानी होगी जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा पुख्ता पहले से ही कर ली गई है कि किसी भी सूरत में ये किसान अंदर दाखिल ना हो। देखिए ट्रैक्टर्स और यहाँ बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश आप तस्वीरें देखिए, ये भीड़ यहां पर इकट्ठा होती हुई और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये जो टोल का गेट है आगे जिसके आगे हरियाणा शुरू होता है उसे क्रॉस कर लिया जाए और लगातार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है, किसानों को हटाने के लिए बार बार वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं आंदोलनकारी किसानों को पीछे करने के लिए, पीछे हटाने के लिए। और कुछ हद तक पुलिस इसमें कामयाब होती हुई भी दिख रही है क्योंकि जैसे ही आंसू गैस के गोले इन किसानों के ऊपर दागे जाते हैं ये जो आंदोलनकारी किसान है ये तितर बितर हो जाते हैं वहां से। लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं बार बार ये स्थिति हो रही है कि ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से आंसू गैस का गोला दागा जाता है थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर हो या जो भी वहां पर तमाम चीजें वो लेकर आए हैं उसके कोशिश करें, देखिए बड़ा पत्थर जो है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा, अब इसके जरिए जाहिर सी बात है ये कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से वो जो बैरिकेड बनाया गया सबसे पहले उसको तोड़ा जा सके। आप ये समझिए कि जब यहां से अगर ये क्रॉस कर जाते हैं, अगर यहां से क्रॉस कर जाएंगे तो सीधा हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे और हरियाणा में दाखिल होने के बाद बहुत आसानी से दिल्ली की तरफ कूच करना इनके लिए आसान होगा। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में देखिए, जब पहली बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया था क्योंकि साफ तौर पर जो है प्रशासन ने यह आदेश दिए थे कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि कानून व्यवस्था हमें बनानी है। और सब ये जो बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जबरदस्त हंगामा जो है वो वहां पर जारी है, ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ से पुलिस कह ले तो पुलिस कितने मोर्चा संभाला हुआ है, पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रखी है, लाउड स्पीकर से घोषणा कर रही है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए समझिए, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं है। देखिए भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खेतों में भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पथराव की स्थिति जो है वो भी वहां पर पैदा हुई। लेकिन हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बस अब हम आगे बढ़ सके। हालांकि सुबह किसान नेता ने जो है साफ तौर पर कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी ऐसी कोई ऐसी स्थिति बने जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो, लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था खराब होती हुई साफ तौर पर जो है यहां पर नजर आ रहे शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी अभी की आपको दे दें, और दिल्ली से हरियाणा जाने वाले जो भी ट्रैफिक है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही हरियाणा से जो दिल्ली आ रही है गाड़ियां उन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई भी गाड़ी अब हरियाणा से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा अभी फिलहाल नहीं जा सकती है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने पर यह हंगामा लगातार जारी है क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि जो स्थिति हम पहले राजधानी दिल्ली में देख चुके हैं, एक लंबा आंदोलन जो 1.5 साल तक चला था जिस वक्त दिल्ली गुड़गांव नोएडा के लोगों को किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ा था वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिले। और इसीलिए ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस सब कुछ लोगों को हिरासत में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। कोशिश ये है कि जो लोगों की तरफ से लगातार उपद्रव किया जा रहा है, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं उन्हें अब
हिरासत में लिया जाए और हिरासत की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि कई और जगह भी थी जहां पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था, लेकिन ये वो लोग हैं जो लगातार लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके से शंभू बॉर्डर की खराब हो सके, क्योंकि अगर स्थिति यहां से खराब हुई तो जाहिर सी बात है आंच जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगी और अगर दिल्ली तक आंच पहुंची तो ऐसे में समझिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले जो हैं दागे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, शंभू बॉर्डर पर 2 घंटे में 3री बार बवाल हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर बीते 2 घंटे में 3री बार बवाल हुआ है। शंभू बॉर्डर पर 3री बार बवाल की स्थिति और लगातार इस बॉर्डर को सील किया गया है। और आपको ये बता दें कि आंसू गैस के गोले आंदोलनकारी किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं। किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं, कोशिश उनकी यही है कि शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके किसी तरीके से हरियाणा में दाखिल हो। कुछ किसानों को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ एजेंट इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लगातार वहां आंसू गैस के गोले पुलिस दाग रही है। ड्रोन के जरिए भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी की जा रही है। ड्रोन के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और पुलिस भीड़ को पीछे करने की कोशिश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप लगातार देखिए, एक तरफ प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है और इस दौरान कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, प्रमुख मांग उनकी MSP को लेकर है। बातचीत इसे लेकर जरूर हो रही है, लेकिन कह रहे हैं किसान की बातचीत से वो बात बनती हुई नहीं दिख रही, इसलिए हमें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। लेकिन इस आंदोलन की आंच में आम लोग भी जलते हैं, आम लोगों को परेशानी होती है और यही वजह है कि इस बार जब किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली कूच का आह्वान किया, तो पहले से ही जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई। तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोशिश यही कि किसी भी सूरत में ये किसान अंदर दाखिल ना होने पाए, दिल्ली एंटर ना कर पाए। और अलग अलग बॉर्डर से भी तस्वीरें हम लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है शंभू बॉर्डर, जहां से पंजाब से हरियाणा के अंदर किसानों को दाखिल होना है अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो। और यहीं पर सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। ट्रैफिक को वहां पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर बार बार वहां टियर गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम बॉर्डर्स पर उनकी मौजूदगी है। हमारे साथ जावेद हैं, हमारे साथ लवीना भी जुड़ी हुई हैं। पहले जावेद आपके पास आते हुए, साथ ही हमारे साथ और भी सहयोगी हैं उनका, रीमा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन जावेद पहले आपके पास आते हुए, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, शंभू बॉर्डर पर जो एक्शन चल रहा है उसके बाद से यहाँ पर गतिविधियाँ और जो सुरक्षा के बंदोबस्त और जो अलर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको तस्वीर सीधी दिखाना चाहूँगा सिंघू बॉर्डर की, जहाँ पर लगातार जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसको इतना मजबूत बनाया गया है। हम सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे सीमेंटेड बैरिकेड्स हो या फिर लोहे के बैरिकेड्स हो, कंटेनर हो, वहाँ उनको बढ़ा दिया गया है। और देखिए, ये जो रोड है अब हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाला जो रास्ता है ये पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। आप ये समझिए कि अगर शंभू बॉर्डर क्रॉस करने में किसान सफल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ ये जो बॉर्डर है जो कि दिल्ली की दहलीज है, ये ज़्यादा दूर नहीं होगी उनके लिए। और ये जावेद काम रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ कैसे एक पत्थर की आड़ लेकर ये जो किसान है वो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है अगर टियर गैस हो तो। उस समय वैसी सिचुएशन थी, लेकिन वहां उसके बाद लोग पीछे आ गए। बैरिकेड से लगभग 150-200 मीटर हम पीछे हैं और पूरी भीड़ इस समय उसी जगह पर है, रुक रुक कर हैवी जो शेलिंग है वो की जा रही है और उसका असर इस तरह का है कि एक बार भीड़ पीछे होती है फिर आगे, एक बार भीड़ पीछे होती है फिर आगे। अब किसान नेता कोई बातचीत करेंगे हरियाणा सरकार की तरफ से या फिर क्या सिचुएशन होगी? मेरे सहयोगी राजेंद्र तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजेंद्र, आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए और रुक रुक कर दर्शक आवाज भी सुन पा रहे होंगे जब फायर किया जा रहा है, जब उस ओर से टियर गैस छोड़ा जाता तो उसकी आवाज भी हम सुन पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस समय की पैनिक सिचुएशन सब कुछ बयान करती हुई अपने आप कि क्या समय शंभू बॉर्डर के ऊपर हालात बने हुए हैं। हालांकि आप कहिए कि बहुत सुखद माहौल है तो वो तो लाजमी तौर पर नहीं है। इतनी पैनिक सिचुएशन के बीच अगर यहां से
किसानों को आगे बढ़ना है तो बैरिकेडिंग हटानी होगी। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि सुबह से हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि कई लेयर वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी और कई लेयर बैरिकेडिंग के बीच आप देखिए कम से कम 500 मीटर दूर यहां से एक टोल प्लाजा है जिसके आगे ये पूरा बैरियर लगा दिया गया पुलिस की तरफ से ब्रिज के ऊपर, घग्गर रिवर के ब्रिज के ऊपर। और उसकी 5-6-7 लेयर, जो जानकारी हमारे पास है कि 500 मीटर बेशक दूर हो यहाँ से, आप जिक्र कीजिए टोल प्लाजा, लेकिन टोल से 500 मीटर के बीच बीच में 6-7 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। एक दो लेयर अब हट चुकी हैं और लगातार जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है और वो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से माहौल इस समय बना हुआ नजर आ रहा है। देखिए भीड़ एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और फिर भीड़ पीछे आती है और इस बीच बहुत हैवी शेलिंग कर दी जाती है, बहुत बड़ी तादाद में टीयर गैस का इस्तेमाल। एक और देखिए रुक रुक कर आसमान से टीयर गैस लगातार बरस रहे हैं और ड्रोन के जरिए भी एक बार फिर से ड्रोन, जो मैं कह रहा था कि खेत वाली तरफ लोग हैं तो उस और भी जो टीयर गैस रुक रुक कर फेंके गए हैं। अब एक खेत वाली साइड भी जो सड़क के बिल्कुल किनारे खेत हैं उस और बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे तो वहां पर भी एक टीयर गैस छोड़ दिया गया। ड्रोन मुझे नजर आ रहा है, ड्रोन के जरिए नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो। और इस बीच लगातार आवाजें आप तक पहुंच रही होंगी, ये आवाजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी हुई है और किस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है, क्योंकि हैवी शेलिंग, हैवी टीयर गैस जो लगातार यहां पर फेंके जा रहे हैं और लगातार इन टीयर गैस के जरिए भीड़ को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए हैं क्योंकि इंतजाम उस तरीके से किसानों की तरफ से किए गए थे, वाटर टैंक लेकर आए थे किसान, बहुत सारे जूट बैग जो होते हैं उनको भिगोकर रखा गया था और जैसे ही कोई टीयर गैस आती है तो उसको उसके साथ कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा टीयर गैस थी इसलिए थोड़ा किसानों को भी पीछे हर बार जरूर धकेलने में पुलिस कामयाब रही है। अभी तक की सिचुएशन यही है कि दो रोड्स हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग बहुत प्रॉपर सेम, तकरीबन लगभग 5-5-6-6 लेयर और उसके बाद वाटर कैनन और उसके बाद जो आगे बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े किए गए हैं और वो तस्वीरें। लेकिन एक और कि आप कहते हैं कि इस बैरिकेडिंग जो अचूक बनाया गया था किला एक तरह का, उसमें सेम लगाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं फिलहाल किसान, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेयर तक पहुंच गए हैं किसान कहीं ना कहीं। अब वक्त से कैसे आगे बढ़ेंगे, वहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे और स्लैब्स पीछे कर दी जाएंगी, एक बड़ा सवाल जरूर यहां पर बना हुआ है। और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन इस समय के ऊपर बनी है। हम वापस रुक करते हैं स्टूडियो का। बिल्कुल, और देखिए ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति जो है वो किस तरीके से बेकाबू होती हुई, एक तरफ ये प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस है जो लगातार डटकर मोर्चा संभाले हुए, ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ दिया जाए। अब तक 1 घंटे में 3 बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया, पथराव भी वहां पर लगातार चल रहा है, लेकिन पुलिस सबसे पहले कोशिश करे कि प्यार से जो है समझाया जा सके और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद है लवीना, साथ गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई है। लवीना, वहां पर स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर स्थिति देखने के बाद जाहिर सी बात है कि अब प्रशासन जो है गाजीपुर पर भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुपमा, कम्युनिकेट लगातार किया जा रहा होगा, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। जैसी शंभू बॉर्डर पर तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर वैसी तस्वीर तो अभी तक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि कई लेयर की बैरिकेटिंग के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, विशाल जरा दिखाइए, मैं आपको बता दूं कि ये रोड काफी चौड़ा है लेकिन आधे रोड पर आप देखेंगे कि कई लेयर की बैरिकेटिंग के साथ साथ आगे वाहनों की भी तैनाती कर दी गई है। ऐसा इसीलिए है कि किसी भी सेकेंड अगर कोई सिचुएशन खराब होती हुई दिखाई देती है तो कैसे मुस्तैदी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी के साथ मुझे तस्वीर दिख रही है वो ये तो बता रही है कि पुलिस कैसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गाड़ियां भी यहां पर चल रही हैं, हालांकि इससे पहले जाम थोड़ा ज्यादा हो गया था लेकिन उसे भी कैसे सही रखा जाए इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर, ठीक है लवीना, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रीमा भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रीमा, आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्योंकि शंभू बॉर्डर से जानकारी यह है कि 5-6 लेयर्स की जो बैरिकेडिंग थी उसमें से 1-2 बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं।
ठीक उसी घटना को भांपते हुए यहाँ सिंघू बॉर्डर पे पुलिस की जो तैनाती है वो सुबह से ही बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया जब मैंने यहाँ की तमाम तस्वीरें बदलते हुए देखी, यानी ये पुलिस कर्मियों की इस तरीके से मौजूदगी सुबह में नहीं थी। सुबह में यहाँ से लोग NH-44 से आ जा सकते थे, दोनों तरफ ही रूट ओपन था, लेकिन अब जैसी तस्वीरें दिख रही है उसको देखकर सीधे सीधे ये संकेत मिल रहा है कि सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ पे इस जगह को लेकर। देखिए अभी जब तक मैं तस्वीरें पूजा आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से जो ब्लॉक से उसको उठाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं, यानी किसी भी सूरत में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं आ सकते हैं। दिल्ली में किसी भी सूरत में इस बार इन नहीं करना है, यही प्राथमिकता है पुलिस की, यही पूरी कोशिश है। और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कदम किस तरीके से उठाए गए हैं, जगह जगह पे पुलिस कर्मियों किस तरीके से तैनात है कि परिंदा भी पर ना मर पाए। पहले की तुलना में, मतलब 2 साल पहले जो तकरीबन 1 साल चला आंदोलन 2020 नवंबर महीने से लेकर 2021 दिसंबर महीने तक, उस घटना से सबक लेते हैं। उसे घटना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आंदोलन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी उस आंदोलन के दौरान हुई जिसमें पुलिस कर्मियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोक रही हूँ उस वक्त शंभू बॉर्डर से कुछ तस्वीरें, दर्शकों को पहले ये ब्रीफ कर देते हैं। देखिए यहाँ शंभू बॉर्डर पंजाब से आप लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहाँ पर ट्रैक्टर की मदद से अब बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश और ट्रैक्टर की आड़ लेकर यहाँ किसान जो है वो टियर गैस यानी आंसू गैस के गोलों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन से भी लगातार नजर रखी जा रही है यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर। यहाँ जो 6 लेयर की यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी उनमें से कुछ बैरिकेड्स हटाए भी गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार किसान आगे बढ़ते हुए और लगातार ड्रोन की मदद से उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं क्योंकि पहले से ही ये तैयारी पुलिस ने कर ली थी, लेकिन इस बार किसान भी दुगनी तैयारी के साथ वहां पर आए। देखिए ट्रैक्टर के साथ यहाँ आगे बढ़ते हुए किसान आपको नजर आएंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश हो रही है और पुलिस बार बार इससे रोक भी रही है। पुलिस कह रही है कि बैरिकेड्स आप हटाएंगे तो आप पर मजबूरन हमें एक्शन लेना होगा, और यही वजह है कि जैसे ही किसानों का जत्था आगे की तरफ बढ़ता है वहां तुरंत आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। किसान लगातार वहां हंगामा कर रहे हैं, कुछ मीटर वो पीछे जरूर हटते हैं लेकिन फिर से किसान एक बड़े ग्रुप में बड़ी तादाद में वहां आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ बार बार तस्वीरें सामने आ रही है, टकराव की स्थितियां देखने को मिल रही है, ड्रोन के जरिए भीड़ को काबू करने की कोशिश, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। लेकिन आप भीड़ को देखिए, यहाँ पर कुछ किसानों की तबीयत शायद बिगड़ी है जिन्हें लेकर जाया जा रहा है, लगातार वहां डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, किसान पीछे हटते हुए नजर आएंगे आपको, ट्रैक्टर की मदद से यहाँ आगे जरूर बढ़ रहे थे लेकिन आंसू गैस के गोले बार बार यानी फ्रीक्वेंटली दागे जा रहे हैं। पिछे पिछे ट्रैक्टर आते भी इधर हो, इधर हो ट्रैक्टर आ गए। तो तस्वीरें लगातार शंभू बॉर्डर से आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर देखिए किसानों ने बैरिकेड्स को भी अब से कुछ देर पहले हटा दिया। हालांकि वहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है लेकिन किसान आगे बढ़ने के लिए हरियाणा में दाखिल होने के लिए, क्योंकि दिल्ली अगर उन्हें आना है तो पहले हरियाणा एंटर करना होगा जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे बीते कुछ घंटों से, और ऐसे में कभी ट्रैक्टर की मदद से कभी हाथों के जरिए कभी गाड़ियों के जरिए यहां बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है जिसकी तस्वीर आप देखिए। और पुलिस बार बार इसी चीज से रोक रही है किसानों को, कह रही है कि आप इस तरह से अगर बैरिकेड्स को छेड़ेंगे, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो मजबूरन हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। वहां बार बार लाउडस्पीकर के जरिए भी अनाउंसमेंट वहां की जा रही है, लेकिन किसान क्योंकि उन्हें दिल्ली दाखिल होना है इसके लिए हरियाणा पहले एंटर करना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने बैरिकेड्स भी हटाए हैं, कुछ तस्वीरें भी वहां से ऐसी सामने आई है, लेकिन बार बार उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं भीड़ को काबू करने के लिए, किसानों को तितर बितर करने के लिए। पुलिस कुछ हद तक यहां कामयाब होती हुई दिखाई देती है।
तो दो तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं जहां पर देखिए स्थिति जो है वो किस तरीके से खराब होती हुई वहां पर नजर आ रही है। आप देखिए चार कैमरों के जरिए न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर किस तरीके से एक बड़े पत्थर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हुए किसान, कोशिश ये है कि जो पुलिस ने बैरिकेड बनाया हुआ है उसे इन पत्थरों के जरिए जो है तोड़ा जा सके, क्योंकि ये बहुत भारी पत्थर जो है नजर भी आ रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, जो जानकारी अब तक मिल रही है, जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर आखिर किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए जो है ये कोशिश की गई, और ये देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको देखे, दो तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली शंभू बॉर्डर की और दूसरी भी शंभू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो है लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, ये पुलिस की लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। ये कटीले तार जो है वो यहां पर लगाए गए हैं कि जैसे ही अगर ये कोशिश की जाएगी प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि ट्रैक्टर के जरिए जो है हम आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है तब इन कटीलों तारों का इस्तेमाल जो है वहां पर किया जाएगा ताकि टायर जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और इसी तरीके की 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी बताई जा रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि 2 लेयर्स जो है तोड़ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए। ये दूसरी तस्वीर बहुत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए किस तरीके से अब ये कोशिश है कि बस 500 मीटर का जो है रास्ता बचा हुआ है ताकि ये लोग टोल पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही टोल तक पहुंचेंगे उसके बाद हरियाणा का बॉर्डर जो है शुरू हो जाएगा। लगातार न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप देख पा रहे होंगे यहां टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है किसानों और पुलिस के बीच। लगातार वहां हंगामा भी हो रहा है और टियर गैस यानी आंसू गैस का इस्तेमाल भी किसानों के ऊपर किया जा रहा है। कोशिश किसानों की यही कि दिल्ली चलें, और उसके लिए जरूरी है कि शंभू बॉर्डर को क्रॉस किया जाए। लेकिन जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ एक लेयर की सिक्योरिटी नहीं है, वहां मल्टीपल लेयर है सिक्योरिटी की। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, कीले बिछाई गई हैं।